हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बीएससी सेकंड ईयर के वेग और त्वरण का जो टॉपिक हमने अपने पिछले वीडियो में शुरू किया था उसमें इस एग्जांपल को सॉल्व करने वाले हैं। इससे संबंधित जो भी सूत्र और फॉर्मूले वगैरह थे वो हमने अपने पिछले वीडियो में देखे थे, तो वहीं से हम उन्हीं सूत्रों को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि किस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां हमें इस प्रश्न के अंदर दिया हुआ है कि यदि किसी गतिमान बिंदु की t समय पर स्थिति x इक्वल टू a cos t और y इक्वल टू a sin t द्वारा ज्ञात है तो इसका वेग, त्वरण और पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी हमको एक तो वेग ज्ञात करना है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ज्ञात करना है, त्वरण और उसके पथ का समीकरण ज्ञात करना है। यहां पर हमको x और y दोनों अलग अलग पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हुए हैं जो t के फंक्शन है। इसका मतलब ये हो गया कि x और y का t के रेस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास x डॉट y डॉट और दोबारा जब अवकलन करेंगे तो x डबल डॉट और y डबल डॉट आ जाएगा। तो यहां पर जो वेग और त्वरण की बात हो रही है, ये वेग और त्वरण परिणामी वेग और परिणामी त्वरण है। ये तो परिणामी वेग और परिणामी त्वरण के फॉर्मूले हम देख चुके हैं, उनसे हम इनको यहां पर ज्ञात करेंगे। देखिए, हमें यहां पर दिया हुआ है x बराबर a cos t, ये x की इक्वेशन दे रखी है। इसी तरीके से y बराबर a sin t दिया हुआ है। दोनों x और y t के फंक्शन है इसलिए t के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष जब इसका अवकलन हम करेंगे तो हम उसको लिखेंगे dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt को हम x डॉट भी लिख सकते हैं, और उसका डिफरेंशिएशन होगा a कांस्टेंट cos का माइनस का साइन, तो a sin t माइनस में आ जाएगा। इसी तरीके से y का करेंगे तो dy अपॉन dt हम उसको लिखेंगे, और उसको हम y डॉट भी लिख सकते हैं, और sin t का यहां पर cos t हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, तो a cos t यहां पर इसका डिफरेंशिएशन हो गया। दोबारा अगर करते हैं हम तो यहां पर d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा, ये जिसको हम x डबल डॉट लिख सकते हैं, माइनस का a कांस्टेंट रहेगा और sin t का डिफरेंशिएशन यहां पर cos t हो जाएगा। इसी तरीके से y का जब दोबारा करेंगे तो d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम y डबल डॉट लिख सकते हैं, और cos t का यहां पर माइनस का sin t हो जाएगा, तो माइनस का a sin t। तो ये x और y के डिफरेंशिएशन हो गए दोनों, x और y के t के सापेक्ष हमने डिफरेंशिएशन कर दिए। अब हम वेग और त्वरण के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है परिणामी वेग, तो परिणामी रिजल्टेंट वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला हमें मालूम है, अंडर रूट में x डॉट का वर्ग और y डॉट का वर्ग, ये परिणामी वेग का फॉर्मूला है। इसके अंदर हम मान रख सकते हैं ये, तो देखिए x डॉट का मान हमारे पास है माइनस का a sin t, इसका वर्ग करना है, प्लस y डॉट का मान है a cos t, इसका वर्ग करेंगे। ये अंडर रूट में है सब कुछ। इसके बाद वर्ग जब करेंगे तो माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी, a स्क्वायर sin स्क्वायर t हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, तो ए स्क्वायर यहां पर हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, और इसका मान हमको मालूम है वन होता है, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी का मान, तो अंडर रूट के अंदर केवल ए स्क्वायर बचेगा, यानी कि जो वेग है वो ए हो गया इसका। तो ये प्रश्न के हिसाब से वेग का मान आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है त्वरण, तो त्वरण का फॉर्मूला भी इसी तरह का होता है परिणामी त्वरण का। तो सेकेंडली परिणामी त्वरण हमको निकालना है,
परिणामी त्वरण। तो परिणामी त्वरण के लिए क्या होगा, अंडर रूट में दोनों त्वरण जो x डबल डॉट और y डबल डॉट आए इनके वर्गों का योग कर लेंगे, y डबल डॉट का वर्ग, इन दोनों के मान रख देंगे, मान हमारे पास है, हम डिफरेंशिएशन करके रख चुके हैं। x डबल डॉट का मान हमारे पास है माइनस का a cos t, माइनस का a cos t का वर्ग, और y डबल डॉट का मान है माइनस का a sin t, तो माइनस का a sin t का वर्ग। यहां पर भी बिल्कुल ऊपर जैसे किया था वैसे ही करना है, वर्ग करेंगे तो माइनस की संख्या प्लस में हो जाती है, a स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा और कोष्टक में हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, और इसका मान एक हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में वही a स्क्वायर ही बचेगा, तो परिणामी त्वरण का मान भी हमारे पास आ गया a। तो ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक। अब इसके बाद हमको निकालना है इसके पथ का समीकरण। तो पथ का समीकरण ज्ञात करने के लिए जो हमको x और y की वैल्यू दी हुई है पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो इसका जो पैरामीटर है t उसका हमको विलोपन करना पड़ेगा। तो x और y की इक्वेशन से हमको t का विलोपन करना पड़ेगा पथ का समीकरण ज्ञात करने के लिए। देखिए, पथ का समीकरण, t का विलोपन करने पर, तो t को एलिमिनेट करेंगे हम, जो हमको x और y का मान दे रखा है वहां से t का विलोपन करेंगे। हमारे पास x बराबर a cos t और y बराबर a sin t प्रश्न में दिया हुआ है, इन्हीं दोनों से पथ का समीकरण आएगा। तो वर्ग करके हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो उससे क्या है, t का एलिमिनेशन हो जाएगा वर्ग करके जोड़ने पर। तो वर्ग करके जब हम इसको जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड जुड़ेगी x स्क्वायर और वहां से जुड़ जाएगा y स्क्वायर, इधर हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर t और प्लस a स्क्वायर और sin स्क्वायर t। a स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहां से बच गया cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू 1 हो गई, और अब हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये पथ का समीकरण है, और यहां हमको दिख रहा है कि जो पथ का समीकरण है वो वृत्त का समीकरण आया है, और ये जो वृत्त का समीकरण आया है इसका केंद्र 0 0 त्रिज्या ए हो गई, जो भी हम लिख सकते हैं यहां पर, जो कि वृत्त की इक्वेशन है यानी वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र सेंटर पॉइंट इसका 0 0 है, और इसकी जो रेडियस है त्रिज्या वो a है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को अपने फॉर्मूलों को अप्लाई करके ज्ञात कर सकते थे। उम्मीद है सभी के समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक और एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।